उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रयागराज जिले के नवाबगंज थाना इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले थे। इनमें पति पत्नी और 3 बच्चियां शामिल थीं। इस मामले को लेकर पुलिस की शुरुआती पड़ताल में कई नए राज सामने आए हैं। जिन 5 लोगों के शव बरामद हुए थे उसमें से एक की पहचान राहुल तिवारी नाम के शख्स के रूप में हुई है। बाकी लोग राहुल के परिवार के हैं, एक उनकी पत्नी और 3 बच्चियां। बच्चियों के गले पर धारदार हथियार के निशान मिले हैं। राहुल तिवारी का शव पंखे से लटकता हुआ मिला है। जिस जगह पर ये शव बरामद हुए हैं वहां से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें तमाम बातें कही गई। 2 पन्ने के इस सुसाइड नोट में राहुल तिवारी ने अपने ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस मामले में एक केस दर्ज करते हुए सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वही पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। इसमें सुबह 7:30 बजे की सूचना थी कि एक परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। उसमें मैंने आपको ब्रीफ किया था सारे घटनाक्रम को। इसमें एक डेवलपमेंट है, इसमें हमारी टीमें लगातार, जैसा मैंने बताया था, पूरे मौका मुआयना कर रही थी, घर की एक एक चीज़ें देख रही थी। और वहाँ पे जहाँ पे इनकी बॉडी लटकी हुई पाई गई थी राहुल तिवारी की, वहीं पे एक 2 पन्नों का एक नोट हमें मिला है। 2 पन्ने कागज़ मिले हैं, उस पर लिखा हुआ है। उस चीज़ को भी हम गहराई से पड़ताल करेंगे, हैंडराइटिंग मिलान करेंगे। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये मृतक के द्वारा ही लिखा हुआ है, राहुल तिवारी के द्वारा क्या चीजें मेंशन की गई हैं। उनके परिजनों ने भी बताया कि उन्हीं की हैंडराइटिंग लग रही है। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए हम इसको FSL भेज करके हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इसका मिलान कराएंगे और तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखना चाह रहे हैं इसमें परिजनों ने जो तहरीर दिया है उसके अनुसार ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इनके 2 साले हैं जो तहरीर में नामजद किए गए हैं, एक का नाम पिंटू है, दूसरे का नाम चंद्रशेखर है, और इनके 2 अन्य साथी, ये 4 लोग मिलकर काफ़ी उत्पीड़न करते थे। और पिछले साल जुलाई में 2021 में इनके काफ़ी झगड़ा हुआ था और उसके बाद मृतक राहुल तिवारी का जो प्लाट था, जो इनका मकान था, कुछ खेत था, उस पर ससुराल पक्ष वालों ने कब्जा कर लिया था। तो ससुराल पक्ष वालों का काफ़ी दखल सामने आया है, उससे ये काफ़ी परेशान थे। और जो 2 पन्ने का इनका नोट मिला है उसको मैं सुसाइड नोट अभी नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक हैंडराइटिंग में मिलान नहीं कर लूँ मैं इसको प्रमाणित नहीं मानता हूँ। हैंडराइटिंग, हालांकि इनके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंडराइटिंग है, लेकिन उसका हम मिलान कराएंगे पहले प्रामाणिक तौर पर, तब हम आपको अवगत। हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो 2 पन्नों का नोट है उसमें कुछ बातें हैं, एंगल है जाँच का, ये एंगल है। और जो तहरीर है उसमें भी एक 4 लोगों को नामजद किया है जिसमें से कुछ लोग कॉमन भी हैं, उस नोट में भी उनके नाम है और तहरीर में भी हैं। तो सारी चीज़ों को लेकर के हम शाम तक आपको पूरा डेवलपमेंट से अवगत करा देंगे। पर हमारी टीम ने एक अहम सफलता इसको मानूंगा कि जो 2 पन्ने का नोट मिला है और जिसके परिजन कह रहे हैं कि उन्हीं की हैंडराइटिंग है, नोट ये उसी जिसको मिलान के बाद स्पष्ट किया जाएगा, तो एक ये एक अहम डेवलपमेंट है। अभी तक ये उसी कमरे से बरामद हुआ है जिस जगह घटना हुई है, जहाँ पे वो लटकते हुए पाए गए थे साड़ी के फंदे के सहारे, वहीं के पास में जंगले के पास ही बरामद किया।